हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंदर मौर्य। आज 5 में 50 डेज लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज 26वां दिन है। तो अभी बात करते हैं कि आज के दिन मैंने ट्रेड कहाँ लिया। देखिए, आज जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन होते ही मार्केट में हमें एक शार्प नीचे की तरफ यहाँ पे फॉल देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 कैंडल में ही मार्केट ने आज क्या कहते हैं 320 पॉइंट्स का मूव दे दिया। मतलब मार्केट पूरा दिन मूव करके जितने पॉइंट्स देता है, आज मार्केट ने वही उतना मूव यहाँ पे सिर्फ 3 कैंडल्स में ही दे दिया। जब यहाँ पे 3 कैंडल्स में यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर 320 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मिल गया, उसके बाद फिर मार्केट में हम लोग को यहाँ पर आज कोई खास मूव देखने को मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादा इसको था नहीं। जितने लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाना था वो लोग यहाँ पर पहले से ही बना लिए होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग को कोई खास मूव देखने को मिला, और ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर आप देख रहे होंगे एकदम यहाँ पे साइडवेज हो गया। ऑलमोस्ट आप इसमें बोल सकते हैं यहाँ पे 100 से 150 के बीच में मार्केट यहाँ पे कम्प्लीटली आज यहाँ पर मूव करता रहा। ओके, तो अभी बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड कहाँ लिया। देखिए, हम लोगों ने जो यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहाँ पर RSI इंडिकेटर ओवर सेलिंग जोन में 5 मई की अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ हुआ। जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वैसे ही मैंने यहाँ पर बाइंग साइड की तरफ ट्रेड ले लिया। और आज के दिन मैंने जो ट्रेड में अपना जो टारगेट रखा था, मैंने टारगेट आज अपना थोड़ा सा कम ही रखा था। मैंने आज के दिन अपना जो टारगेट रखा था वो 2.64, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ आज 1:2 से थोड़ा ज़्यादा का ही टारगेट रखा था। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने ये जो प्रीवियस यहाँ पे ये स्विंग बना था, इसी स्विंग के पास मैंने अपना जो टारगेट था वो टारगेट यहाँ पर लगाया था। क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये था कि मार्केट यहाँ से इस नीचे तक यहाँ तक इतना मूव कर चुका है, तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमें वापस यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे पुल बैक स्ट्रेटजी का मैंने यहाँ पे प्लान बनाया था कि यहाँ से तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो जिसके मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर हमें क्या कहते हैं पुल बैक स्ट्रेटजी का ट्रेड बनेगा, तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड में एंटर हो जाऊँगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना जो टारगेट रखा था, टारगेट मैंने सिर्फ आज 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स का रखा था। और फिर यहाँ पर जब मैं यहाँ पे इस ट्रेड में जब मैं इंटर हुआ, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से मार्केट जब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ आया और ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर एक स्विंग बना है ये स्विंग, और इसी स्विंग के पास मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है मैंने लगा दिया। आमतौर पर मैं कई बार बताता हूँ कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस होता है वो मैं स्विंग के पास लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये स्विंग बना हुआ, तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो मैं क्या कहते हैं अपना ट्रेल यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा इसी पॉइंट से। यहाँ पर सेम वैसे ही मैंने आज भी किया था। मार्केट यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीचे आया, ये इस स्विंग का जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, तो वैसे मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो गया। और जब मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ, तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर मैं शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग भी उसको फॉलो कर सकें, नहीं तो आप उससे कुछ सीख सकें। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट हो गया, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया, वैसे यहाँ पे मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पर साइडवेज रहा, पर हम लोग का जो SL था SL हिट नहीं हुआ। अभी अगर आज के दिन मार्केट ना, अगर जहाँ से ये मार्केट में यहाँ पे हमें ये फॉल देखने को मिला, अगर ये शार्प फॉल हमें नहीं देखने को मिलता, मार्केट अगर थोड़ा सा ऐसे प्राइस एक्शन बनाता हुआ थोड़ा सा नीचे की तरफ आता, फिर हमें यहाँ पर इस लेवल के पास हमें 5 मई प्लस RSI स्ट्रेटजी का आज बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता था। पर कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इस ट्रेड में क्योंकि मैं यहाँ पर इस लेवल के पास एग्जिट हो गया, तो ऑलमोस्ट इसमें मैंने आज के दिन कोई भी पॉइंट्स कैप्चर नहीं किया यहाँ पर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मैं एग्जिट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिके हो गया था। सो आज के दिन के ट्रेड में मुझे यहाँ पर 2000 सम का यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, तो अभी हम और देखते हैं क्या हमें इसमें और कोई ट्रेड मिला हुआ है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो RSI इंडिकेटर यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज ही है, तो यहाँ पर हमें और कोई ट्रेड नहीं मिला, ना ही हमें यहाँ पर पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड मिला हुआ है, और ना ही हम लोग को यहाँ पे 5 मई प्लस नो लॉस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेड मिला हुआ है। और फिर अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 में क्या हम लोग को कोई ट्रेड मिला हुआ है। तो निफ्टी 50 में देखिए, यहाँ पर जो हम लोग को 5 मई प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो हम लोग का पहला ट्रेड मिला था वो यहाँ पर मिला हुआ था, जिसमें हमारा यहाँ पर SL हुआ। और इसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर सेकेंड ट्रेड मिला हुआ, सेकेंड ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ है। RSI इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओवर सोल्ड जोन में है, तो यहाँ पर जैसे इसका हाई ब्रेक होना था वैसे हम लोग को यहाँ पर ट्रेड लिया था। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर गया। पहला ट्रेलिंग SL हमारा इस पॉइंट्स पर होगा, दूसरा ट्रेलिंग SL यहाँ पर हमारा इस पॉइंट्स पर होगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आके ये जो ट्रेलिंग SL था यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग SL हिट कर दिया। पर आई थिंक हम लोग को यहाँ पर इसी लेवल के पास यहाँ पर 1:4 का टारगेट यहाँ पर मिल गया है। अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, यहाँ पर जो हमारा हम लोग का SL है, SL यहाँ पर हम लोग का
एलमोस्ट यहाँ पर हम लोग का जो SL है, SL यहाँ पर 10 पॉइंट समथिंग का, यानी कि 11 पॉइंट्स का है। तो 11 का 4 टाइम्स यानी कि 44, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 44 से भी ज़्यादा का पॉइंट्स यहाँ पे मार्केट ने मूव किया। तो यहाँ पर इस ट्रेड में हम लोग को 1:4 का टारगेट आसानी से मिल गया। हाँ, ये ट्रेड में जो हम लोग को प्रॉफिट मिला है वो थोड़ा सा स्लोली मिला है, पर कोई बात नहीं, प्रॉफिटेबल तो है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को और कोई ट्रेड इसमें मिला हुआ है। तो इसमें हम लोग को यहाँ पर और कोई ट्रेड नहीं दिख रहा, इसमें हम लोग को और कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। निफ्टी में भी सेम वही था, यहाँ पर भी हम लोग को क्या हुआ था, तीन तीन कैंडल में हम लोग को बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर भी क्या हुआ था, कम्प्लीटली यहाँ पर साइडवेज ही हो गया था। और अगर अभी हम बात करते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी की, क्योंकि आज फिन निफ्टी का क्या था, एक्सपायरी था, और यहाँ पर फिन निफ्टी में भी हमें कोई खास ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम यहाँ पे शार्प फॉल देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पर साइडवेज हो गया। देखिए आमतौर पर होता क्या है ना, जब मार्केट ऐसे ही क्या कहते हैं शार्प फॉल आ जाता है, मतलब फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी स्ट्रांग कैंडल बन जाता है ना, तो हमें 5 मिनट स्ट्रेटजी में उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में क्या होता है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में कुछ बचा नहीं रह जाता। ठीक है, तो आज का मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पे साइडवेज ही हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।